एनुअल राउंड हैदराबाद सिटी पुलिस। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने आज एनुअल राउंड 2021 पेश किया। मुजमई तौर पर क्राइम 21 फसाइद कमी वाक़ हुए। जिस्मानी क्राइम में 4 फसाइद कमी, क्राइम में 2 फसाइद कमी, खवातीन के खिलाफ सी होमोसाइड में 47% कमी, कत्ल के वाक़ात में 7% इजाफा, अगवा की वारदातों में 5% कमी, गाड़ियों की चोरी में 16% इजाफा, सज़ा सुनाने की शरह 2021, साइबर क्राइम में 55 फसाइद इजाफा। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज हुसैन सागर में भगवान बुद्ध के स्टैचू के सामने एनुअल प्रेस मीट हुआ और हमारे क्राइम ब्रांच के एनालिसिस के मुताबिक ईयर 2020 के कंपैरिजन में ओवरऑल 11% क्राइम का रिडक्शन हुआ है। कुछ फील्ड जैसे साइबर क्राइम, इसमें क्राइम का इंक्रीज हुआ है। हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 1.5 सालों से सभी के साथ मिलकर जो हैदराबाद को एक बेहतर सिटी बनाने का जो एक कैंपेन चल रहा है उसके तहत बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। जब कोरोना में हिंदुस्तान के दूसरे शहर, दूसरे स्टेट जिनकी इकॉनमी बहुत ख़राब हुई पहले से, वहीं हैदराबाद की और तेलंगाना की इकॉनमी पहले से बेहतर हुई है। आज GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो GDP का बात होता है, तो हैदराबाद का और तेलंगाना स्टेट का ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा है, जो कि बड़े बड़े सिटी जैसे अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब से ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारा है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का बैकग्राउंड सबसे बड़ा यही है कि यहाँ अमन और चैन है, यहाँ पीस और सिक्योरिटी है, और इसी के तहत दुनिया की सब बड़ी कंपनियाँ हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं, नए जनरेशन को नए नए मौके मिल रहे हैं, और इस तरह से हम लोग दूसरे शहरों के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल रहे हैं। 2022 जो नया साल है उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सिटी पुलिस को पब्लिक के और करीब लाने की नई स्ट्रेटजी, नई टैक्टिक्स होगी, जिसमें हर जगह हर कम्युनिटी का क्या नीड है, उसकी क्या ज़रूरत है। बंजारा हिल की ज़रूरत चंद्रायन गुट्टा की ज़रूरत से अलग है, बोलारम की ज़रूरत अंबरपेट की ज़रूरत से अलग है, तो सबको एनालिसिस करके और लोकल पुलिस को ट्रेन करके हम लोग और भी बेहतर बनाएंगे इस शहर को, जिसमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और हर तरह की फैसिलिटी पहले से बेहतर हो। शुक्रिया। हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 1.5 साल से हैदराबाद सिटी पुलिस में इस साल क्राइम में करीब 11-12% रिडक्शन हुई है ओवरऑल क्राइम में, और अगर हम लोग 2019 से कंपेयर करें तो 21% रिडक्शन हुई है पूरे ओवरऑल क्राइम में। पर कुछ तरह का क्राइम, स्पेशली साइबर क्राइम में एक बढ़ोतरी हुई है, जो कि हम लोग सब समझ सकते हैं, क्योंकि पैंडमिक के दौरान ज़्यादातर सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए हैं। अब चाहे आपको शॉपिंग करनी हो, चाहे आपको जॉब चाहिए हो, चाहे आप बैंक से कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं, हर कुछ ऑनलाइन पे है। तो जब हम लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो क्रिमिनल है वो भी ऑनलाइन पे शिफ्ट होता है, तो इसलिए ऑनलाइन क्राइम में एक इंक्रीज़ हुई है। बट हैदराबाद सिटी पुलिस सिटीजन्स के कंफर्ट के लिए दो मेजर चीज़ें इस बार शुरू हुई इस साल में। एक तो शुरू हुआ कि पहले साइबर क्राइम हैदराबाद सिटी में सिर्फ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन CCS में रजिस्टर होता था, अब हमने हर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में स्टाफ को ट्रेन किया है ताकि हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम रजिस्टर हो सके और इन्वेस्टिगेट हो सके। दूसरा, एक हेल्पलाइन नंबर जो एक नेशन वाइड हेल्पलाइन नंबर है उसको अब स्टार्ट कर दिया है यूज़ करने के लिए। एक स्पेशल पोर्टल है इसका और एक स्पेशल कंट्रोल रूम सेट हो गया साइबर क्राइम के लिए। तो इससे क्या है कि सिटीज़न
अगर उनका कुछ पैसा, जैसे ज़्यादा साइबर क्राइम में आपको पता है कि OTP आ जाता है फेक और कोई पैसा चला जाता है, या UPI फ्रॉड है, आपका पैसा निकल जाता है, तो अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपका होता है साइबर वर्ल्ड में, तो आपको सिर्फ इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करना है। जब आप फ़ोन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टाफ है, जो वो कॉल सेंटर पे है, वो लोग कंसर्न बैंक्स में जहाँ पे अगर ये पैसा निकल रहा है या गया है, उसको ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देते हैं। इस साल में पूरे में भी नहीं, इस साल के मध्य में हमने ये शुरू किया था, और पिछले 5-6 महीने में करीब 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने ऐसा फ्रीज करा है। उसके बाद जैसे जो पिछले साल आपने देखे थे कि बहुत सारे ये लोन और गेमिंग ऐप हो रहे थे, हज़ारों करोड़ रुपया, लाखों विक्टिम्स, इंक्लूडिंग 4-5 सुसाइड्स जो हुए थे स्टेट में, उसमें हम लोगों ने करीब 18 एक्यूज को अरेस्ट किया था, इंक्लूडिंग एक चाइनीज। कुछ समय तक ये बिल्कुल शांत हो गया था, पिछले 15-20 दिन में दोबारा से थोड़ी सी हरकत हमें दिख रही है। और न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को फॉलो और लाइक करें, और देखते रहिए RZ News & Entertainment Network।